हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे हम आपके लिए आज लेकर के आए हैं मार्केटिंग से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पब्लिसिटी के बारे में। पब्लिसिटी जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, जहाँ पे पब्लिसिटी और पब्लिक रिलेशन दोनों को ऐड करके भी एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है, या फिर पब्लिसिटी को ही सारा डिटेलिंग में पूछने की कोशिश की जा सकती है। तो यहाँ पे पब्लिसिटी का टॉपिक आप एक जो है कह सकते हैं 14 to 15 मार्क्स का अपने ध्यान में रख करके तैयार कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, पब्लिसिटी होती क्या है। देखिए, आपने देखा होगा कई बार आपको एडवर्टीजमेंट दिखती है टेलीविजन पे, न्यूज़पेपर पे, होर्डिंग्स पे या जगह जगह पे। अब आपको पता है कि ये जो एडवर्टीजमेंट आपको टेलीविजन पे दिख रही है, इसके पीछे किसका हाथ है, इसकी एडवर्टीजमेंट कराने के पीछे किसका हाथ है, या फिर इस एडवर्टीजमेंट के लिए किस कंपनी ने पेमेंट की है। सेम गोज विद ऑल टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट, चाहे आपकी न्यूज़पेपर हो, होर्डिंग हो, या जो भी एडवर्टीजमेंट हो। तो उस सारी एडवर्टीजमेंट को कराने के पीछे उस पर्टिकुलर कंपनी का हाथ होता है, सारा पैसा वो पे करती है, सारा जो प्रोसीजर है वो कराती है। तो यहाँ पे आपको पता होता है कि एडवर्टीजमेंट के पीछे कौन है और उनकी मंशा क्या है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई ना चाहते हुए किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो है एक बेनिफिट तरीके से दिखा देता है, और उस वजह से क्या होता है, लोगों के बीच में उस प्रोडक्ट को लेकर के थोड़ा हाइप हो जाता है, या उस प्रोडक्ट की जानकारी ज़्यादा अच्छे से जाती है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अभी जो है ब्लैक वाटर करके बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्यों? क्योंकि आजकल जो है क्रिकेटर्स जो है या फिर एक्टर्स जो है वो आपको ब्लैक वाटर के साथ दिखेंगे। तो अब आपको देख करके लगता है कि यार ये ब्लैक वाटर है, बहुत अच्छा है, ये लोग पी रहे हैं तो हमें भी पीना चाहिए और बहुत ही शायद हेल्थ को लेकर के अच्छा होगा। अब ये कॉन्सेप्ट ये धारणा अब आपके दिमाग में बन गई है। हालांकि उस कंपनी ने, जिस कंपनी का वो ब्लैक वाटर है, उसने खुद अपनी तरफ से इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं किया है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उन्होंने कुछ इस तरीके से इस प्रोडक्ट का एक बेनिफिट्स आपके सामने दिखा दिए हैं, जो कि आपको लग रहा है कि हाँ ये अच्छा है। और मेन चीज़ कि उन लोगों को, यानी उन एक्टर्स को, उन स्पोर्ट्समैन्स को जो है इसका पैसा नहीं दिया गया कि हम आपको लाख रुपये देते हैं, आप हमारी जो है बॉटल लेकर के बस एक बार चले जाना, उसी से हमारा बेनिफिट हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है, वो उन्होंने अपनी पर्सनल इच्छा से किया है, वो उनके पर्सनल व्यूज है। तो ये जो चीज हुई है इसको कहा जाता है पब्लिसिटी, जहां पे जो है नॉन पर्सनल प्रमोशन टूल की तरह इसको देखा जाता है, जहां पे कंपनी कोई पेमेंट नहीं करती, बल्कि नॉर्मली कोई इंसान या जो है इनडायरेक्ट तरीके से या डायरेक्ट तरीके से किसी प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार कर देता है, और उसके पीछे उसका कोई ऐसा मंशा नहीं होता, तो उसको कहा जाता है पब्लिसिटी। Publicity is an effective non-personal promotional tool which has very high credibility. Publicity क्या है? एक effective non-personal promotional tool है जिसकी एक high credibility है, यानी कि लोग उस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। अब आप देखोगे, अगर आप advertisement देख रहे हो तो आपको लगेगा कि यार अपना product बेचने के लिए तो हर कोई अच्छा अच्छा बोलता है, झूठू बोलता है, और जो है दिखाता है कि हाँ मैं ही जो हूँ सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली टाइप का हूँ। लेकिन जब एक्चुअली में आप वो प्रोडक्ट यूज़ करते हो, तब आपको पता चलता है कि यार इस प्रोडक्ट में इतना कुछ खास नहीं है। उसी तरीके से जब जो है कोई बिना पैसे लिए, बिना कुछ अपने प्रॉफिट के किसी एक प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, तो ऑब्वियसली उस प्रोडक्ट में जेन्युइन जो है चीज़ें होंगी, ज़रूर उसकी क्रेडिटेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इसीलिए पब्लिसिटी की जो है क्रेडिटेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर बिना पैसे लिए बात बोली जा रही है, तो वो ऑब्वियसली सच ही होगी, के पीछे ये मंशा रहती है, ये चीज जो है सोचा जाता है। इट इज एन नॉन पेड मेंशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स प्रोडक्ट इन द मास मीडिया लाइक न्यूज़पेपर, जनरल, रेडियो, टीवी एटसेट्रा। यानी कि एक नॉन पेड ये फॉर्म होता है, यहाँ पे पेमेंट नहीं की जाती कंपनी द्वारा, और ये जो है नॉर्मली किसी भी व्यक्ति द्वारा जो है एक ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी प्रोडक्ट का जो है यूज़ करने के लेकर के हो सकता है, कि जैसे कि विराट कोहली जो है ब्लैक वाटर की बॉटल लेके घूम रहा है, तो उसमें क्या है, उसको पेमेंट नहीं की गई है, पर उसका जो है एक मास मीडिया में मैसेज चला गया है, न्यूज़पेपर में उसकी फोटोज छप गई हैं, जनरल, रेडियोज़ वगैरह सब में। Any organization can come to the attention of the public by doing something which is newsworthy. कोई भी organization जो है public के सामने attention पा सकती है कुछ ऐसा करके जो कि एक newsworthy हो, कुछ ऐसी news ला करके। सो उस तरीके से जो है कोई भी organization की publicity हो सकती है। For example, Tata Motors get wide publicity when it introduced the cost effective nano car. जब Tata nano car लेकर के आए थे, हालांकि India में जो है लोगों ने उस तरीके से nano car का जो है एक कह सकते हो कि रिस्पॉन्स नहीं दिया जितना उसको डिजर्व करा जा सकता था, जितना वो कार डिजर्व करती थी। उसी तरीके से आप देखो तो जब ये नैनो कार आई थी, तो ना ही सिर्फ देश में बल्कि देश के बाहर भी कई कंट्रीज ने इस चीज़ को जो है सराहा था कि ये काफ़ी बजट वाली
वाली कार है जो कि मिडिल क्लास लोगों को जो है सेफ्टी प्रोवाइड कराएगी, उनको टू व्हीलर पर चार चार लोगों को बैठा के नहीं चलना पड़ेगा, ये छोटी सी कार में वो सब सेट हो जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा जो है उनका ट्रैवलिंग करने का जो है एक प्रोसेस जो है वो अलग हो जाएगा। तो ये क्या है, एक ऐसी कार इंट्रोड्यूस की गई थी जिससे उनको जो है पब्लिसिटी मिली थी, वाइडली पब्लिसिटी मिली थी। सिमिलैरिटी, अ कंपनी कैन गेट कवरेज इन द न्यूज़ मीडिया बाय स्पॉन्सरिंग सम स्पोर्ट्स और कल्चर इवेंट। उसी तरीके से जो है कुछ कंपनीज एक तरीके से न्यूज़ मीडिया में आ सकती है, कैसे, कुछ कल्चर इवेंट्स को, स्पोर्ट्स इवेंट्स को जो है स्पॉन्सर करके। जैसे आपने देखा होगा इंडिया की जो जर्सी है उस पर बायजूस, कभी ओपो, कभी वीवो, कभी कुछ कभी कुछ, इस तरीके से कंपनीज अपना नाम लिखवाती है, उसको कहा जाता है स्पॉन्सरशिप। और इस तरीके से भी जो है एक तरीके से आपकी कंपनी की जो है वैल्यू बढ़ती है या फिर लोगों को पता चलता है। It need not to pay attention to the media for publicity, but has to supply the necessary information to the media. अब यहाँ पे क्या है, आपको जो है कुछ भी पे नहीं करना है मीडिया को पब्लिसिटी के लिए, ठीक है, पब्लिसिटी के लिए पे नहीं करना है, एडवर्टीजमेंट के लिए तो करना है, बट उनको जो है नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ज़रूर देनी है मीडिया को कि भाई हाँ ये वाली चीज़ वहाँ तक जाए। तो ये चीज़ होती है आपकी पब्लिसिटी की। अब कुछ साइलेंट फीचर्स हैं पब्लिसिटी की, उसकी बात करते हैं। पब्लिसिटी क्या है, नॉन पेड फॉर्म है ऑफ डिसेमिनेशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कि भाई इसमें जो है पैसे नहीं देने और डिसेमिनेशन हो रहा है किसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का। इट डज़ नॉट इन्वॉल्व एनी डायरेक्ट पेमेंट एज इन द केस ऑफ एडवर्टीजमेंट। यहाँ पे कोई डायरेक्ट पेमेंट तो नहीं होती, पर इनडायरेक्ट हो सकती है कुछ सिचुएशन में। जैसे कि आपने देखा होगा कई एक्टर्स एक्ट्रेस क्या होते हैं, अपनी पब्लिसिटी कराना चाहते हैं ताकि लोगों के बीच में उनकी जो है हाँ लगी रहे कि हाँ ये बंदा तो जो है ये भी है, ये भी कुछ है प्राणी कोई है बॉलीवुड में या कहीं पे, तो इसलिए क्या करते हैं वो पब्लिसिटी करके रखते हैं ताकि लोगों से कनेक्ट होकर रह सके। नेक्स्ट इज़, इट इज़ ए नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बाय द मीडिया, ठीक है, नॉन पर्सनल फॉर्म होता है कम्युनिकेशन करने का मीडिया के द्वारा। डज नॉट हैव एनी स्पॉन्सर, यहाँ पे कोई स्पॉन्सर नहीं होता, एज द इन्फॉर्मेशन इज पास्ड ऑन द जनरल पब्लिक एज द न्यूज़ आइटम्स। देखो अब एक और चीज़ की पब्लिसिटी ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव ही हो, पब्लिसिटी नेगेटिव भी हो सकती है। इसका रिसेंटली एग्जाम्पल हमने देखा था, एक फुटबॉलर जो थे रोनाल्डो थे या रोनाल्डो ही थे शायद, उन्होंने क्या किया था, एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहाँ पे उन्होंने कॉक की बोतल को उठा करके साइड रख दिया और पानी की बोतल को आगे कर दिया। तो इससे क्या हुआ, एक तरीके से नेगेटिव पब्लिसिटी हो गई उस ब्रांड की जो कि उठा करके पीछे रखा गया, और एक तरीके से एक पॉजिटिव पब्लिसिटी हो गई उस प्रोडक्ट की जो उठा करके आगे रखा गया। अब इसके लिए उन्हें कोई पैसा नहीं दिया गया था, वो उन्होंने खुद अपनी इच्छा से किया और इससे एक मैसेज जो है कन्वे हो गया, इससे जो है पब्लिसिटी हुई, नेगेटिव भी हुई और पॉजिटिव भी हुई फॉर बोथ द प्रोडक्ट। वन, एक के लिए पब्लिसिटी जो थी पॉजिटिव थी, एक के लिए नेगेटिव थी। तो इसके लिए क्या है कि यहाँ पे आपको कोई स्पॉन्सर नहीं होता, उनको किसी ने पैसे नहीं दिए थे, वो उन्होंने अपनी इच्छा से किया। इसी तरीके से अगर कोई और व्यक्ति कुछ ऐसा पॉजिटिव कर देता किसी प्रोडक्ट के साथ और उस व्यक्ति के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो ऑब्वियसली वो जो है चीज़ कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज या बुरा मैसेज जो है कन्वे कर देगी उस प्रोडक्ट को लेकर के। कुछ रोल आपकी पब्लिसिटी के हैं, पहला क्रेडिटिबिलिटी ऑफ मैसेज, कि उस मैसेज की क्रेडिटिबिलिटी होती है कि आपको पता है इसके पीछे पैसा नहीं दिया गया है, ये जेन्युइन दिल से निकला हुआ मैसेज है या फिर जो है ये एक तरीके से एक जेन्युइन चीज़ है जो कि ये खुद भी यूज़ कर रहा है, तो उसके लिए आप लेकर के क्रेडिटिबिलिटी ज़्यादा रखते हो कि हाँ भाई इस पर हम ज़्यादा जो है विश्वास रखते हैं कंपेयर टू अगर इसी की एडवर्टीजमेंट आ जाए तो। इन पब्लिसिटी इट इज़ द मीडिया विच शेयर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट एंड एक्टिविटी थ्रू न्यूज़ स्टोरीज, ठीक है। क्या होता है कि जो न्यूज़ एजेंसीज होती हैं, न्यूज़ कह लीजिए चैनल्स होते हैं, वो क्या करते हैं किसी एक प्रोडक्ट की जो है एक्टिविटी या उसकी जो है प्रोडक्ट की डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेकर के आते हैं अपनी स्टोरीज में। People consider such message as more creditable. अब जो है लोगों को वैसे मैसेज ज़्यादा creditable लगते हैं जो कि compare किया जाए advertisement से, तो क्योंकि यहाँ पर जो है कोई sponsor contain नहीं होता, पर advertisement में sponsor होता है और sponsor तो पैसा दे के झूठ बुलवा सकता है। मास रीच, देखो पब्लिसिटी जब होती है तो उसकी भी मास रीच हो जाती है, क्योंकि न्यूज़पेपर में, रेडियो में, टीवी में, हर जगह आपको वो चीज़ें दिखेगी। अब जो है अपने विराट सर जो है लेट सपोज अपनी ब्लैक वाटर की जो है बॉटल लेकर के जगह जगह घूम रहे हैं, देश और दुनिया में जा रहे हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो उनके हाथ में वो चीज़ है, तो इसका क्या है मास रीच हो रहा है, चाहे आप देश की बात करें या दुनिया की, तो काफ़ी ऑडियंस को जो है वो प्रोडक्ट दिख रहा है और लोग उस पर ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। इनडायरेक्ट अपील, क्योंकि यहाँ पे पैसा नहीं दिया जा रहा होता, डायरेक्टली जो है इनडायरेक्टली एक अपील हो रही होती है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, यू शुड यूज़ इट, इट इज़ वेरी गुड, ये सर्विस अच्छी है, आप इसको यूज़ करो। सो ये था गाइज आज का हमारा टॉपिक जहाँ पे हमने डिस्कस किया पब्लिसिटी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पब्लिसिटी एंड एडवर्टीजमेंट के बीच के डिफरेंस के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।